नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईएसआईसी के लिए यूडीसी एमटीएस और स्टेनो के लिए आपको कौन सा बुक लेना चाहिए उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो का अंत तक आप बने रहिएगा। और बैंकर्स अड्डा का बुक दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि ईएसआईसी का जो इस बार पैटर्न रहने वाला है बैंकिंग पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी करना होगा, ठीक है ना। प्रॉपर तैयारी कैसे कर सकते हैं, सही बुक से कर सकते हैं, सही गाइडेंस से कर सकते हैं, और ये मैं इसी टॉपिक पे आज डिटेल में बात करूंगा आपके लिए बेस्ट बुक कौन सा रहेगा ईएसआईसी के लिए, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए यहाँ देखते हैं हम। सबसे पहला जो हमारे बुक है, हमारे पास जो बुक है यहाँ पे, ये मैथ्स का बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बुक है, और बैंकिंग है और इंश्योरेंस के लिए ये बुक है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ईएसआईसी जो है लगभग बैंकिंग पैटर्न को फॉलो करेगा और ये बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। इसका ये फ्रंट पेज आप देख सकते हैं, इसका ये फ्रंट पेज है, ठीक है। यहाँ पे आपको बुक के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगा कि कौन कौन से एग्जाम से रिलेटेड है। 2700 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये मैथ्स के बुक में, क्वांट एप्टीट्यूड में आपको 2700 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ, और इनका बुक दोस्तों अच्छा होता है, ठीक है, इस बुक को ले सकते हैं। विषय सूची को मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, इसका जो पीडीएफ होगा, जो भी इमेज फाइल होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहां पर जाके देख लीजिएगा। अगर हम बात करें इसके विषय सूची में, ठीक है, तो विषय सूची को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, ये देख सकते हैं पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और यहाँ बेसिक आपको पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे से क्लासिफाई करके दिया गया है। जो भी आप इमेज देख रहे हैं आप चाहे तो अमेजन पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ डिवीजन रूल के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ और भी बेसिक बताया गया है, ठीक है। तो कंटेंट इसका, इस बुक का दोस्तों अच्छा होता है, ठीक है। आप इस बुक को चाहे तो परचेज कर सकते हैं। अगर 500 से ऊपर ऑर्डर होता है तो आपको कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, निःशुल्क डिलीवरी चार्ज है। यहाँ लिखा हुआ है कि एक भी बुक आप ऑर्डर करते हैं तो आपका डिलीवरी चार्ज नहीं लगने वाला है, ठीक है, तो अच्छी बात है ये। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश का बुक आप देख सकते हैं कि इंग्लिश का भी बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सभी का मैं विशेष सूची दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए मैथ्स वाला है, मैथ्स वाला बुक का पीडीएफ है यहाँ पे, और यहाँ पे विषय सूची में अगर हम बात करें मैथ्स के बुक में, तो नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेट वैल्यू रेशियो प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एवरेज एज है, और उसके बाद टाइम एंड वर्क है, पाइप सिस्टम स्पीड टाइम डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम मिक्सर एलिगेशन, पॉइंट टू पॉइंट इसमें देखने को मिलेगा। वही पार्ट टू में आपको मेंसुरेशन देखने को मिलेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगा, नंबर सीरीज इनइक्वालिटीज, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी। तो 453 पेज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। बुक का दोस्तों कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप चाहे तो इस बुक को ले सकते हैं और लेना चाहिए अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो। अगला बुक हमारे पास इंग्लिश का है, इंग्लिश का भी बुक आप देख सकते हैं, प्रिंटेड एमआरपी इसका भी 339 रुपये है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये बुक जो है, मैं आपको डिटेल में इसका दिखाता हूँ, ठीक है। इस बुक को यहाँ पे देखिएगा 339 रुपये फ्री डिलीवरी चार्ज लगेगा, मतलब कोई भी चार्ज इस बुक पे नहीं लगेगा। आप चाहे तो तीनों बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, ये तीनों बुक का यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तीनों बुक को आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं। तीनों बुक दोस्तों बहुत अच्छा है, मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश का, और मैं आपको दिखाता हूँ इंग्लिश का जो यहाँ बुक है उसको डिटेल में यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। ये अड्डा 24/7 का इंग्लिश का बुक है, 1700 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ है, लेटेस्ट एडिशन इसमें इंक्लूड किया गया है, और साथ में कॉन्सेप्ट मतलब सभी चीज़ को इसमें ध्यान दिया गया है, ठीक है। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है, और यहाँ पे देखिएगा टेंस है, टेंस का कॉन्सेप्ट हो गया, एक्सरसाइज हो गया और सॉल्यूशन, फिर वॉइस हो गया, उसके बाद नरेशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद आर्टिकल नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, देखिए कितने अच्छे तरीके से टाइप वाइज इन्होंने डिवाइड किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन के साथ, क्लोज टेस्ट आपको मिल जाएगा, फिलर मिल जाएगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर करेक्शन, उसके बाद देखिएगा सेंटेंस कनेक्टर, उसके बाद पैराग्राफ कंप्लीशन, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो इंटरफेरेंस, उसके बाद पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर, वर्ड रिप्लेसमेंट, मिसलेनियस, मतलब इस बुक को अगर आप कर लेते हैं तो कुछ भी आपका बचेगा नहीं। हर एक चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने कवर किया है। टोटल 455 पेज इनके बुक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश वाला बुक हो गया, इसका कंटेंट यहाँ दिया होगा इमेज के फॉर्म में, हम देखते हैं यहाँ पे
यहाँ पे आप देखिएगा इस बुक का कंटेंट आप देख सकते हैं, जो मैंने बता दिया शुरुआत में, ये विषय सूची है, मतलब है क्या क्या कंटेंट दिया है इनके बुक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो आप दोनों लैंग्वेज में इनके बुक को ले सकते हैं, दोनों का लिंक मैं दे दूंगा। ये टेंस वाला एक्सरसाइज है और बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने कवर किया है, बुक में दोस्तों कोई कमी नहीं है, आप इनके बुक को ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो पार्ट टू वाला जो है ना, पार्ट वन तो आप चलिए बेसिक देख लीजिएगा, पार्ट टू जो सेक्शन बी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही से बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी के क्वेश्चन यही से पार्ट टू से ही बनेंगे, तो इनको आप अच्छे से कीजिएगा, पार्ट टू वाले को जो 16 एक्सरसाइज तक है ना उनको बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि यही से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे मैथ्स के बारे में बात कर लिया, उसके बाद अगर रीजनिंग के बारे में, तीसरे बुक के बारे में बात करें, तो ये रीजनिंग का बुक आप देख सकते हैं, कंप्लीट गाइड है रीजनिंग का और बहुत ही अच्छा बुक है, 3000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे, डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखने को मिलेंगे। और यहाँ देखिएगा कंटेंट में क्या क्या है, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, ऑर्डर रैंकिंग बहुत ज्यादा बार पूछा जा रहा है, डायरेक्शन सेंस है और वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, बोर्ड ब्लड रिलेशन, सेलोलिज्म, इनपुट आउटपुट, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, डेटा सफिशेंसी, उसके बाद अगर हम बात करें तो डेटा फ्लो डायग्राम, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे पार्ट टू में काउज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेंट ऑफ आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इंटरफेरेंस, इंटरफेस, इंटर ये देखिएगा इन्फेरेंस फ्रॉम पैसेज। ठीक है, तो इसमें सभी 458 पेज में इस बुक को कवर किया गया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुक है दोस्तों, तो इस बुक को आप चाहे तो ले सकते हैं। तीन बुक है मैं सजेस्ट करूँगा, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, ये रीजनिंग का बुक है और ये मैथ्स का बुक है और ये इंग्लिश का बुक है, तो ये तीनों बुक तो आपको बैंकिंग की तैयारी करते या तैयारी करने का सोच रहे हैं या ईएसआईसी का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को जरूर परचेज कीजिए, ये तीनों बुक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है और मार्केट में इनसे ज़्यादा बेहतर बुक नहीं है। कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर प्रमोशन करता तो बुक का हार्ड कॉपी मेरे पास होता, बट बुक का हार्ड कॉपी भी मैंने पहले रखा हुआ था, पहले था मेरे पास, अभी नहीं है, मैंने किसी को दे दिया, तो इस बुक का कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इस बुक को मैंने पर्सनली देखा है, इनके नोट से मैंने खुद भी देखा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, सटीक क्वेश्चन होते हैं, तो आप इनके बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तीनों के तीनों बुक का, आप इन तीनों बुक को ले लीजिएगा। अब सवाल रहा है कि जीके को कहाँ से करें, जीए वाले सेक्शन को कैसे कवर करें, तो मैं आपको हर मंथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और स्टैटिक जीके भी करवा दूंगा प्रोवाइड। ठीक है, मतलब पूरा जीके मेरा काम होगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराना, आप वहां से जीके की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा जीए में, जीए में द हिंदू का मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, मंथली करंट अफेयर का, उससे ज्यादा करंट अफेयर उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, और स्टैटिक जीके का भी आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है, स्टैटिक जीके का नोट्स होगा मेरे पास, तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, तो स्टैटिक जीके आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि इन तीनों बुक का एमआरपी सेम है, 340 रुपये आपको लगेगा तीनों बुक का। ठीक है, तीनों बुक का एमआरपी सेम है और फ्री डिलीवरी है तीनों का तीनों बुक, तो कोई भी आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।